कैसे समा गई थी मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में। मीराबाई का जन्म सन 1458 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा था कि प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया था। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद मीरा ससुराल के कामकाज पूरे करने बाद रोजाना कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहाँ जाकर वह श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती, उनके लिए मधुर आवाज़ में भजन गाती और नृत्य भी करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर जोर दिया क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद मीरा की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। यह सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुँचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोल कर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। जिसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो, जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं।
भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ति होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदल कर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुँचे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछित किया है। मीरा ने राड़ा की कही बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधारी गोपाल जपत जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गई। मीरा ने मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राड़ा वृंदावन आकर मीरा से माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार कर कहती है कि मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। ये सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेवाड़ लौट जाती है और अपने पति राणा से विनती करती है कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दे। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राड़ा और मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।